वैसे वेक्टर्स हमेशा से वीक पॉइंट रहे हैं मेरे, मैथ्स और एडमेट्स दोनों में। अच्छा ठीक है, हो सकता है, मतलब हर किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड्स। एक वो होता है इसमें आपको लैम्डा और वो डब्ल्यू निकालना होता है, और डब्ल्यू कह रहा हूँ, लैम्डा और म्यू निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके हमेशा मिलेंगे आपको, आप जितने भी आप सर वो वेक्टर्स ही के। नहीं होते। अच्छा अच्छा वो नहीं होता है, वेल अगर वो नहीं होते तो फिर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दैट्स एक्चुअली गुड न्यूज़ आपके खुद के लिए, क्योंकि वो वाले करने तो बड़े आसान है। ठीक है, आई मीन वो उनका जो मेथड है ना वो तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड्स है, तो इफ़ दैट्स योर वीक पॉइंट देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, वो जो रिजॉल्व करने वाले होते हैं ना वो अक्सर लोगों का वीक पॉइंट होता है, कि जिसमें आपको बेरिंग, इसमें अच्छा इसमें यूनिट बेरिंग भी वेक्टर्स आ जाती है सिलेबस बाय में द है, वे। सॉरी, यूनिट वेक्टर्स। बिल्कुल है, यूनिट वेक्टर है आपका, पोजिशन वेक्टर है, और वो रिजॉल्विंग कॉम्पोनेंट्स है, विच बाय द वे लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नहीं है, बट यू नो दैट्स स्टिल प्रीटी मच इन योर सिलेबस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो मैथ वाला पार्ट है ना, जो मैथ का बहुत बेसिक वाला पार्ट है, उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो है आपका वही मैथ वाली है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ है। पहले तो ये देख लो कि जब आप वेक्टर ए बी लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ ए? ए इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, स्टार्टिंग पोजिशन कह लो, एंड व्हाट इज़ बी? बी इज़ योर एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और कोई भी वेक्टर अगर आपको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखा हो, सो एक्स वाई, सो दैट मीन्स एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, एंड वाई इज रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब इसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि राइट वर्ड जाना है या लेफ्ट वर्ड जाना है? पॉजिटिव होगा तो राइट वर्ड जाएंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट वर्ड जाएंगे, जैसे आपका उसमें होता है ना ट्रांसलेशन में, बिल्कुल वही सीन है। और सिमिलरली अगर आपका वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है तो ऊपर जाओगे, नेगेटिव है तो नीचे जाओगे। ठीक है, अच्छा फिर इसमें आपका इस तरह से भी आपको वेक्टर मिल सकता है, ए बी इज इक्वल्स टू 3p प्लस 4q। ठीक है, इसमें आपका p और q जो है वो इटसेल्फ किसी वेक्टर के बराबर हो सकता है। और इसमें जो आपको एक चीज़ और मिल सकती है वो है आपका, अच्छा इसी तरह से आपका p और q के बाद आपका a और b भी हो सकता है, 3a प्लस 4b भी हो सकता है। और इसमें जो एक चीज़ और होती है वो होती है आपकी ij। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कुड बी 2i-3j। ठीक है, अब आई और जे क्या है? आई और जे फॉर्म जो है वो समझो बिल्कुल आपकी एक्स और वाई की तरह के होते हैं। ठीक है, 2i-3j का मतलब पता है क्या है? 2i-3j का मतलब ये है कि आप गेट टू यूनिट्स टू द राइट। ठीक है, आई इज़ लाइक एक्स एंड जे इज़ लाइक वाई। ठीक है, दिस इज़ लाइक एक्स एंड जे इज़ लाइक वाई, आप गेट टू यूनिट्स टू द राइट, और -3j का मतलब क्या? कि आप आ गए 3 यूनिट्स नीचे। ठीक है, तो फिर आपका क्या बन गया? आपका वेक्टर एक्स वाई बन गया, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, एंड दिस राइट हियर इज योर वेक्टर एक्स वाई विच इज 2i-3j। ठीक है, अब ये बोलो, सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 3p+4q? 3p+4q क्या होता है कि आपका p इन इटसेल्फ कोई वेक्टर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल p कुड बी 2 1। पी क्यू का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पी इज़ रिप्रेजेंटिंग एक्स एंड क्यू इज़ रिप्रेजेंटिंग वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि भाई पी जो वेक्टर है वो ये है, ये जो वेक्टर आप देख रहे हो ये पी के बराबर है। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से कह दूं कि भाई ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं ये क्यू के बराबर है। सो 3p+4q का मतलब के 3 टाइम्स द वेक्टर पी, एंड 4q का मतलब के 4 टाइम्स द वेक्टर क्यू, और फिर हमने दोनों को जमा कर दिया। ठीक है, सर सिर्फ आई एंड जे एक्स और वाई हो सकते हैं? यस, आई और जे जो होते हैं आपके दे लाइक एक्स एंड वाई। ठीक है, सो बेसिकली इसका हम एक नोट लिख लेते हैं कि आई जो है आपका वह है आपका वेक्टर ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और जे जो है आपका वो भी है वेक्टर ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन द वाई डायरेक्शन।
ठीक है, ये आपने आई और जे के बारे में, ये स्पेशलिटी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर जिस तरह से आपका मैथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, उसी तरह से आपका इसमें भी आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। याद है आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल, याद है आपको जी सर? क्या रूल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, बताओ। सेट टू टेल मेथड आई बिलीव दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इट। यस। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जरा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सो इसमें जो हम रूल यूज करते हैं वो लाइक यू सेड इज द हेड टू टेल रूल। मतलब कि अगर आपके पास है ए बी प्लस बी सी, तो क्या ये वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं? यस नो? बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और ऐड होके क्या बनेंगे? अच्छा, ऐड क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वेक्टर ए बी का हेड इज बी एंड वेक्टर बी सी की टेल इज ऑल्सो बी, ठीक है। सो सिंस दे आर बोथ द सेम, ये ऐड होके क्या बन जाएंगे? ये ऐड होके बन जाएंगे आपका ए सी। अच्छा, व्हाट इफ यू हैव पी क्यू प्लस क्यू आर, व्हाट अबाउट दिस? सर पी आर, पी आर हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इफ यू हैव, लेट्स से यू हैव, सर हाँ बोलो सर, अगर हेड और टेल दोनों डिफरेंट हैं तो फिर वेक्टर जेड नहीं हो पाएंगे, राइट? जैसे अच्छा यहाँ पे देखो, व्हाट इफ यू हैव वाई जेड प्लस एक्स वाई, क्या ये ऐड हो सकता है? एक्स जेड ऐड हो सकता है, बजाय आपको लगेगा कि ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है, बट दैट्स द ट्रिक दैट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू प्ले ओवर हियर। आपने क्या करना है, आपने इसको रिअरेंज करना है। यस, एक्स जेड, दैट्स करेक्ट, एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। अब ये ऐड हो सकते हैं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, आई ओनली चेंज द ऑर्डर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाई जेड फर्स्ट, आई रोट एक्स वाई फर्स्ट, एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी के ये ऐड हो सकते हैं, और ये ऐड होके क्या देंगे हमें, ये ऐड होके हमें एक्स जेड बना के दे देंगे, ठीक है। सर कुड यू प्लीज रिपीट कि क्या सेम क्या होना चाहिए? पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर की टेल। देखो, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी, तो बी क्या है? बी उसका हेड है। क्यों है बी उसका हेड? अगर लेट्स से मैं एक रैंडम एक वेक्टर बना दूं इस तरह से करके, तो ऐसे करके मैं एक वेक्टर बना दूं, ठीक है, तो ए क्या होगा? ए उसकी टेल होगी, ठीक है। जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो उसकी टेल होती है, जहाँ पे वो ख़त्म होता है वो उसका हेड होता है, ठीक है। सो बी एज यू कैन सी इज़ योर हेड। अच्छा, फिर अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी सी में बी क्या होगा, ज़रा मुझे बताओ? टेल सर, बी उसकी टेल होगी, ठीक है, ये उसकी टेल होगी। सो इसलिए हम इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल का मतलब कि अगर पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर की टेल सेम है, तो आप उनको बआसानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट द रूल सेज। राइट सर, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। अच्छा, अब हाथ के हाथ इसकी सब्ट्रैक्शन भी देख लो। कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, जो रूल होता है वो ये कि दे शुड हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना आपने जरा पैटर्न पिक करना है। मैं दो तीन इसके आंसर्स लिखूंगा, एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी द पैटर्न, एंड यूजिंग दैट पैटर्न आई वांट यू टू टेल मी द आंसर ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट आई राइट, ठीक है। सो पहले मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से ओ बी माइनस ओ ए, ये बनेगा ए बी, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इसको गौर से देखना है और कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। फिर अगर मैं करता हूँ ओ वाई माइनस ओ पी, तो ये बनेगा आपका पी वाई। फिर अगर मैं करता हूँ ए सी माइनस ए बी, तो ये बनेगा आपका बी सी। अच्छा, अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप मुझे ये बताएं कि ये क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये बनेगा आपका जेड वाई, जेड वाई या जी वाई, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। सो बेसिकली हियर्स हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि दे बोथ हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इफ दे हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट ओनली देन दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। इफ दे हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो आपका वेक्टर बाद में आ रहा है, मतलब जो आपका पॉइंट बाद में आ रहा है वो इक्वल्स टू के बाद पहले आएगा, और जो आपका वेक्टर पहले आ रहा था वो इक्वल्स टू के बाद
बाद में आएगा, ठीक है। इसका इसका एक तरीका लोग अक्सर ये निकालते हैं कि नियर एंड फार, द पॉइंट दैट इज नियर कम्स नियर टू द इक्वल्स टू साइन, द पॉइंट दैट इज फार अवे फ्रॉम द इक्वल्स टू साइन कम्स फार अवे फ्रॉम द इक्वल्स टू साइन, ठीक है। अच्छा अब चलो और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी। लेट्स से यू हैव ओ एक्स माइनस ओ वाई, ये किसके बराबर होगा? वाई एक्स, वाई एक्स, ठीक है। अच्छा फिर लेट्स से यू हैव ओ एल माइनस ओ एन, ये किसके बराबर होगा आपके ख्याल में? एन एल, एन एल, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा फिर हमारे पास जो एक और कॉन्सेप्ट है इसका, वो है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालने से पहले एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपको वेक्टर एक सर्टेन फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और वो सर्टेन फॉर्म क्या है? वो सर्टेन फॉर्म है कॉलम वेक्टर फॉर्म। कि फॉर एग्जांपल ए बी अगर आपको गिवन है 3 4, तो आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड, सो दैट मीन्स 3 स्क्वायर्ड इज 9, 4 स्क्वायर्ड इज 16, 9 प्लस 16 इज 25, 25 को स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। इसकी अगर जनरल फॉर्म देखना चाहो तो इसकी जनरल फॉर्म ये है कि अगर आपके पास पी क्यू है एक्स वाई, ठीक है, और आपको पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, सो दैट्स गोना बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तेरे को, ठीक है। ये तो मैथ में से याद होगा आप लोगों को, ये वाले कॉन्सेप्ट मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज ये मैथ में भी करते ही हैं। जहाँ पे वो थोड़े ट्रिकी वाला पार्ट आएगा ना, पैरेलल और ये सब, उस पर ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो मुझे बताएं यहाँ तक से कोई मसला? ओके सो बेसिकली लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है एक्स वाई, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स हैं 2 and -5। अभी ये कैसे लिखा हुआ है? अभी ये लिखा हुआ है कॉलम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि इस सेम वेक्टर को लिखो आई जे फॉर्म में, ठीक है। तो ऑल यू गॉट टू डू इज राइट दिस एज 2i -5j। वाई? बिकॉज आई इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन द वाई डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो 2 और -5 है, तो हम x और y नहीं लिखते, ऑल वी डू इज x की जगह हम i लिख देते हैं और y की जगह हम j लिख देते हैं, टू रिप्रेजेंट के i इज रिप्रेजेंटिंग x, आई मीन टू शो दैट i इज रिप्रेजेंटिंग x एंड 5 इज j इज रिप्रेजेंटिंग y, ठीक है। दैट्स ऑल देयर इज, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका i j फॉर्म आ गया, ओके ना। अच्छा कुछ आपके सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़रा वो देख लो कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स, ज़रा बताओ मुझे। मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम, नॉट जस्ट सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी जिसके कंपोनेंट्स हैं 3 and -4, और आपके पास एक कंपोनेंट है पी क्यू जिसके कंपोनेंट्स हैं -3 4, और आपके पास एक कंपोनेंट है एक्स वाई, एक वेक्टर है एक्स वाई जिसके कंपोनेंट्स हैं 3 and -4। अब मुझे बताओ इसमें इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं? ए बी और एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई, एग्जैक्टली। सो हम कौन से दो वेक्टर्स को इक्वल क्लासिफाई करेंगे? हम ए बी और एक्स वाई को इक्वल क्लासिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों, अच्छा इन तीनों वेक्टर्स का आप मैग्नीट्यूड निकालो तो 5 आएगा, लेकिन अगर हम इनके डायरेक्शन को कंपेयर करें तो ए बी और पी एक्स वाई का एक डायरेक्शन बनता है, पी क्यू का जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन है। अच्छा डिफरेंट भी क्या है वो भी जरा अभी हम इसको नैरो डाउन करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट है। इक्वल वेक्टर्स के बाद जो आपके पास दूसरे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव वेक्टर्स। अब नेगेटिव वेक्टर्स थियोरेटिकली क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स थियोरेटिकली होते हैं वेक्टर्स दैट हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। डिफरेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव वेक्टर्स शुड हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बहुत जरूरी है,
इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, वो नेगेटिव वेक्टर्स क्लासिफाई नहीं होंगे, ठीक है, वो बस डिफरेंट वेक्टर्स होंगे. बट इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ओनली देन विल दे बी क्लासिफाइड एज नेगेटिव वेक्टर्स. अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा मुझे नेगेटिव वेक्टर्स बताओ कौन से हैं, ए बी एंड पी क्यू. हाँ, तो अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप कहेंगे ए बी एंड पी क्यू और नेगेटिव वेक्टर्स. वाई? बिकॉज अगर आप करोगे ए बी और अगर आप पी क्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मुझे बताओ पी क्यू, इमेजिन करो कि आपने पी क्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट डू यू थिंक दैट विल लुक लाइक? माइनस थ्री फोर. एंड नहीं, पी क्यू को अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, व्हाट विल दैट लुक लाइक? थ्री एंड माइनस फोर. और वो किसके बराबर हो गया? ए बी के. ए बी के बराबर हो गया, ठीक है. अच्छा, और यू कुड ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, कि ए बी के साथ माइनस साइन लगाओ और वो फिर किसके बराबर हो जाएगा? वो फिर पी क्यू के बराबर हो जाएगा. ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. सो ये बेसिकली समझो एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने के दो डिफरेंट तरीके हैं, ए बी इज इक्वल टू माइनस पी क्यू या पी क्यू माइनस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इट्स द सेम थिंग, ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, ग्रेट. अच्छा, अब आते हैं जरा पैरेलल वेक्टर्स पे. सर, इस क्लास में हम क्या सिर्फ मैथ के बेसिक्स करेंगे वेक्टर्स पे? नहीं, मैथ के बेसिक्स हम करके फिर हम थोड़े एड मैथ के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है. होपफुली विल गेट देयर इंशाल्लाह. अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:46 हो रहा है ना? या विल गेट देयर इंशाल्लाह. अच्छा, अब देखो पैरेलल वेक्टर्स भी ना आपके पास दो तरह के होते हैं. हाँ बोलो. मुझे पूछना था कि वो नेगेटिव था इसीलिए उनकी डायरेक्शंस चेंज है ना. सॉरी, दोबारा बोलो. नेगेटिव क्या? आगे क्या कहा आपने? ये जो नेगेटिव वेक्टर है उसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसीलिए डायरेक्शंस चेंज. मुझे भी समझ नहीं आपने क्या कहा. नेगेटिव वेक्टर्स हैं उसके आगे इसलिए इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. अगर आप ए बी को देखो तो ए बी पता है कैसे जा रहा होगा? ए बी जा रहा होगा ऐसे, थ्री माइनस फोर ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक है. और पी क्यू को आप देखेंगे तो पी क्यू पता है कैसे जा रहा होगा? पी क्यू जा रहा होगा ऐसे. तब आप देख सकती हैं दोनों के डायरेक्शंस को कंपेयर करो जरा, देर नॉट डिफरेंट. डिफरेंट पता है क्या होता है? कि हाँ चलो एक ऐसे जा रहे हैं और एक ऐसे जा रहे हैं और दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है, ये डिफरेंट होता. लेकिन ए बी और पी क्यू के केस में देर नॉट ओनली डिफरेंट, इन फैक्ट देर डिफरेंट बट ऑल्सो अपोजिट, ठीक है. समझ आ रही बात? सर, मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट. लेंथ, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स लेंथ. ये आपका समझो जो अब मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ये है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है. अच्छा, इसमें लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है ए, जिसके कंपोनेंट्स हैं क्या? इसके कंपोनेंट्स हैं टू एंड माइनस थ्री, ठीक है. एंड लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है बी, जिसके कंपोनेंट्स हैं क्या? जिसके कंपोनेंट्स हैं लेट्स से फोर एंड माइनस सिक्स, ठीक है. अच्छा, अब अगर हम इनका रेशो बनाएं ए बी और पी क्यू का, सो रेशियो से मतलब अगर हम इनके कंपोनेंट्स को डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ए का एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय बी का एक्स कंपोनेंट, सो दैट्स 2/4, ठीक है. और अगर हम इसको कंपेयर करें विद ए का वाई कंपोनेंट एंड बी का वाई कंपोनेंट, तो आपके ख्याल में व्हाट विल हैपन? दे आर बोथ गोइंग टू बी सर, दे हैव द सेम रेशियो 1 टू 1 ओवर 1/2 रेशियो, ठीक है. तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे के ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है. सो दिस ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, सो बेसिकली एज लॉन्ग एज टू वेक्टर्स आर ओबेइंग दिस कंडीशन वेयर ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है, वेयर के
कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये आपके पैरेलल वेक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे जो के है वो बेसिकली क्या है, अगर मैं ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स अब बी लिख रहा हूँ तो व्हाट इज के ओवर हियर टेक्निकली? अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू हाफ बी, चलो हमने हाफ लिख तो लिया लेकिन इसका थियोरेटिकली मतलब क्या है? इसका थियोरेटिकली मतलब ये है कि अगर हम वेक्टर ए को देखेंगे तो वेक्टर ए इज गोना लुक लाइक दिस, ये 2 है और ये हमारा -3 आ गया, ठीक है। सो दिस राइट हियर इज वेक्टर ए। और अगर हम वेक्टर बी को देखेंगे, वेक्टर बी विच इज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, सो दिस इज व्हाट वेक्टर बी लुक्स लाइक। अगर हम इनको यस अगर हम इनको साइड बाय साइड रखें तो या तो हम दो बातें कर सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए का डबल है, या अगर हम ए के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो हम कहेंगे ए इज बेसिकली हाफ ऑफ बी, ठीक है। समझ आ रही है बात? सर ए डबल नहीं होना चाहिए क्योंकि बी उसका हाफ है। ए कैसे डबल होगा, बी ए का डबल है ना सर, बिकॉज एज पर द इक्वेशन इट्स ए इज हाफ ऑफ बी, ए इज हाफ ऑफ बी, बी इज डबल ऑफ ए। अच्छा समझ आ रही बात, ए इसको एक ही चीज को कहने के दो तरीके है ना भाई, ए बी का हाफ है और बी जो है वो ए का डबल है। जैसे हम इफ यू रिमेम्बर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स में हम कहते हैं ना एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, इसको इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका क्या होता है? एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ द एंगल ऑफ सेंटर। एग्जैक्टली तेरे को सर ये हाफ जो होगा इस केस में वो रेशियो होगा, या रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट जो कि अल्टीमेटली आपका मैग्नीट्यूड भी होगा। क्योंकि देखो अगर आपका जैसे अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करें, लेट्स से आपका एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी एक लेंथ है 3 एक लेंथ है 4, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगी, ठीक है। वर्क इट आउट, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 को स्क्वायर रूट करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझा दिया जी सर, समझ आ गया ना। अच्छा अब आप एक काम करें, 3 और 4 को डबल कर दें तो क्या हो जाएंगे, 9 और 16? नहीं 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 स्क्वायर नहीं, 3 और 4 को डबल कर दो, एक और ट्राइंगल बनाओ, 8 एंड 8। हाँ मैं अभी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा, 6 एंड 8 हो जाएगा। अब अगर आप 6 और 8 लेके हाइपोटेनियस निकालोगे तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, हाइपोटेनियस आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट दैट मींस इज कि आपका सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर नहीं डबल हो रहा है बल्कि आपका हाइपोटेनियस भी डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हमने बी बनाया तो सिर्फ आपके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स नहीं डबल हो जाएंगे बल्कि यहाँ पे अगर आप इनका ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो फिर आप नोट करोगे कि बी का मैग्नीट्यूड भी ए के मैग्नीट्यूड का डबल है, ठीक है। तो उसका असर मैग्नीट्यूड पे भी आता है। तो ये जब हाफ पूछ रहे थे ना, हाफ जो है वो बेसिकली रेशियो है ए और बी का, इनके कॉम्पोनेंट्स का और इनके मैग्नीट्यूड का। दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन, थैंक यू सर। समझ आया आपको? जी सर। ओके नाउ लेट्स से एन है आपका 6 एंड -8, ठीक है। अच्छा अब इन दो वेक्टर्स के बारे में ना, देयर इज समथिंग स्पेशल, यस दे आर पैरेलल नो डाउट, ये आपका -3/6 हो गया, और अगर आप इनके y कॉम्पोनेंट्स लो तो y कॉम्पोनेंट्स आपके 4 एंड -8 हो गए, यस। बट व्हाट स्पेशल अबाउट देम इज के इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा -1/2। अब इस -1/2 की क्या लॉजिक है, मतलब ये -1/2 आपसे कुछ कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? -3 व्हाट डू यू थिंक दिस -1/2 डायरेक्शन? Yes. This left side. This minus sign is trying to tell you that yes, they're parallel. ठीक है. But parallel के साथ साथ there's something else about them which you should know. ठीक है. अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जरा vector बना देता हूँ, फिर maybe you will be able to identify exactly what I'm looking for. One, two, double in opposite direction. Yes, double in opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा अब अगर आप इन दो वेक्टर्स को गौर से देखें
तो फिर आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी दैट यस देयर पैरल, ठीक है, वी कैन सी कि इनकी स्टीपनेस देख के हम बता सकते हैं कि ये पैरल है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इनके डायरेक्शन देखें तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो ऑपोजिट है. तो यस, इन वेक्टर्स के बारे में हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि दे आर पैरेलल, ठीक है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. समझ आई बात? दे आर पैरेलल बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, समझ आई बात? जी सर, ओके. अच्छा, अब हाथ के हाथ ना पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स के साथ साथ एक चीज़ जो कि हम अभी देख लें तो अच्छा है, वो है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स. अच्छा, कोलिनियर से आपको क्या समझ आ रहा है? कोलिनियर वेक्टर्स से क्या मतलब होगा? सेम ग्रेडिएंट सेम ग्रेडियंट, यस, बट कोलिनियर वेक्टर्स आर वेक्टर्स ऑन कोलिनियर फिर पॉइंट्स का सेम क्या मतलब लाइन होता है? चलो पर मुझे ये बताओ, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? सर पॉइंट्स जो सेम लाइन लाइन द सेम लाइन लाइन स्ट्रेट लाइन स्टैंड द सेम लाइन तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? वेक्टर्स लाइंग ऑन द ऑन सेम लाइन ऑन द सेम लाइन. अच्छा, अब कोलिनियर वेक्टर्स की जो ट्रीटमेंट होती है ना वो बिल्कुल पैरेलल वेक्टर्स की तरह होती है. क्यों होती है पैरेलल वेक्टर्स की तरह ट्रीटमेंट? जरा ये देखो, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? सेम सेम नेगेटिव ग्रेडियंट. ऐसे प्रॉपर नहीं, वो परपेंडिकुलर का होता है, वो परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट के केस में हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, ठीक है. अच्छा, और कोलिनियर पॉइंट्स का ग्रेडियंट क्या होता है? सेम 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 होता है, ठीक होता है है. सो इसीलिए इनकी जो ट्रीटमेंट होती है या इनका जो टेस्ट होता है वो सेम एज पैरेलल वेक्टर्स होता है. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक वेक्टर है ए बी, जिसके कंपोनेंट्स हैं क्या, जिसके कंपोनेंट्स हैं 1 एंड 3, ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. और मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर बी है जिसके कंपोनेंट्स हैं आपका 3 एंड 9, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि इनका अगर हम रेशियो निकाल लें तो हम देखेंगे कि इनका रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, ये 1/3, ठीक है. और फिर अगर हम इनके वाई कॉम्पोनेंट्स का रेशियो निकालें तो ये 3/9, ठीक है, और रेशियो जो है इसका वो क्या आया, वो सेम आया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3. लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि हम ए बी एंड बी सी के बारे में हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? हम ये कंक्लूजन क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे कि ये पैरेलल हैं, या करेंगे अगर तो क्यों करेंगे? और क्या हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे अगर पैरेलल नहीं है तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये कोलिनियर है? बताएं, व्हाट कंक्लूजन आर वी गोना ड्रॉ? सर इनके मैग्नीट्यूड्स डबल होंगे, मैग्नीट्यूड ज्यादा हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड्स डबल नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड्स 3 टाइम्स होंगे, ठीक है. मतलब बी सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी का 3 टाइम्स होगा. बट दैट्स नॉट व्हाट माई कंसर्न इज. माई कंसर्न इज ये कि भाई ए बी और बी सी हम देख सकते हैं कि इनके कॉम्पोनेंट्स का जो रेशियो है सेम है, लेकिन हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये पैरेलल हैं या कोलिनियर है? पैरेलल के केस में भी सेम होगा, कोलिनियर के केस में भी सेम होगा, लेकिन हाउ डू वी डिस्टिंग्विश पैरेलल वेक्टर्स फ्रॉम कोलिनियर वेक्टर्स? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. गौर से देखें जरा इन वेक्टर्स को और मुझे बताएं. ए बी का हेड और बी सी का टेल बी है तो इसलिए एग्जैक्टली. क्यों ये पैरेलल हो ही नहीं सकते? बताएं क्यों ये पैरेलल इसलिए नहीं हो दोनों को सकते? ऐड करेंगे तो एसी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बट दोनों में बी है यस, द रीजन व्हाई दे कांट बी पैरेलल इज बिकॉज दोनों में आपका पॉइंट बी आ रहा है. दैट मींस कि जहां पे आपका ए बी खत्म हो रहा है वहीं से आपका वेक्टर बी सी शुरू हो रहा है. एंड बिकॉज दे हैव द सेम रेशियो दैट मींस देर इन द सेम डायरेक्शन ऑल्सो. मतलब इनका इनकी जो स्टीपनेस है वो सेम होगी, ठीक है. देखो, हियर्स व्हाट आई मीन. ए बी को अगर हम ड्रॉ करें तो ए बी आपका ऐसे बनेगा, 1, 1, 2, 3, ठीक है. दिस इज वॉट ए बी इज, राइट. इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि हमारे जगह मिल जाए. सो हियर इज ए एंड हियर इज बी. अब वेक्टर बी सी बनाने के लिए मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? मैं स्टार्ट बी से ही करूँगा. और 3,9 का मतलब क्या, विल गो 3 यूनिट्स टू द राइट एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो वही हुआ जिसका मुझे डर था कि जगह ख़त्म हो जाएगी, बट खैर. तो ये आपका वेक्टर बी और सी बन गया, ठीक है. और अब हम सेफली ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं आपके वो कोलिनियर हैं. अच्छा, ये कंक्लूजन याद रहे, ये कंक्लूजन हमने इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि एक ए बी है और दूसरा बी सी है.
ये कंक्लूजन हमने इसलिए नहीं ड्रॉ किया कि ए कोलिनियर है, ठीक है। हो भी सकता था कि भाई ए बी जो है आपका वो इस तरह जा रहा होता और बी सी जो है आपका वो इस तरह जा रहा होता, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन द रीज़न वाई वी ड्रू द कंक्लूजन दैट दीज वैक्टर्स आर कोलिनियर इज बिकॉज ऑफ देयर रेशियोज। जब हमने रेशियो निकाला तो हमने देखा कि हाँ इनका रेशियो सेम है, उसके बाद हमने देखा कि बोथ ऑफ देम शेयर अ कॉमन पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट पी एंड दैट इज वाई दे आर कोलिनियर। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ। पैरेलल को हम क्रॉस कर देंगे बिकॉज दे हैव अ कॉमन पॉइंट एंड दे आर कोलिनियर बिकॉज दे हैव द सेम रेशियो, ठीक है। समझ आई बात? जी सर। ओके साउंड्स गुड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं व्हाइल वी आर एट इट, जरा इसका पोजीशन वेक्टर देखते हैं जरा। सर हाँ जी बोले। सर अगर कोई दो वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट है इसका मतलब दोनों पैरेलल नहीं है, राइट? हाँ, दोनों पैरेलल नहीं है। कोलिनियर है या नहीं ये आप रेशियो की मदद से बताएंगे, बट जस्ट बिकॉज दे हैव अ कॉमन पॉइंट डजंट मीन दैट दे आर कोलिनियर, ठीक है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है जरा बताएं। सर जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। यस, पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन। सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर पता है करता क्या है? वन वे टू लुक एट पोजिशन वैक्टर इज कि वो आपको एक पॉइंट को, यू कैन लुक एट अ पॉइंट लाइक अ वैक्टर विद द हेल्प ऑफ पोजिशन वैक्टर। सो लेट्स से आपके पास एक पॉइंट है पी, इसके कॉर्डिनेट्स है 3 and -2। अब अगर आप उसको एक वैक्टर की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वैक्टर की फॉर्म का मतलब क्या होगा कि ओ पी, बिकॉज कोई भी पॉइंट हो उसको हम जो उसके कॉर्डिनेट्स काउंट करते हैं वो हमेशा कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से करते हैं। सो इसी पॉइंट को अगर आप वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 3 and -2, ठीक है। दैट्स लिटरली ऑल व्हाट अ पोजीशन वेक्टर इज, ठीक है। ये आपका पॉइंट था, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और जाहिर है ओ तो कभी चेंज होना ही नहीं है। कोई भी पॉइंट हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा। सो इफ यू हैव अ पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0, तो इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको 5, 0 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज कि भाई अगर ये हमारा पॉइंट, मतलब कि भाई 5, 0 ने क्या बिगाड़ा है, हम उसको 5, 0 क्यों नहीं रहने दे सकते, या 3 -2 ने क्या बिगाड़ा है, हम उसको 3 -2 क्यों नहीं रहने दे सकते? उसकी वजह यह है कि ये फिर हमें कैलकुलेशंस में काम आएगा। अगर हमें पॉइंट पी को यूज़ करने किसी कैलकुलेशन में, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉइंट पी है और हमारे पास पॉइंट क्यू है और हमें देखना है कि पी से क्यू क्या वैक्टर बनेगा, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे पोजिशन वैक्टर को, ठीक है। वी लुक एट दैट वन द टाइम कम्स, सही। बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर वक्त आने पर इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी पता चल जाएगा। Okay, unit vector. Now this is something that's new for us now. Okay, unit vector kya hota hai? Unit vector is basically a vector divided by its magnitude. Unit vector ko is tarah samjho, unit vector ek aapke bade vector ka na samjho, ek mini version hota hai, theek hai. Jaise you know how you have like model houses, wo aapke actual house ka mini version hota hai. That's what a unit vector is, ठीक है। That's one way to think of a unit vector, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक example देता हूँ, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, पहले जरा let's learn how to find the unit vector, ठीक है। फिर मैं आपको इसका वो mini version की जो मैंने बात किया ना वो मैं आपको समझाऊँगा। अब let's say आपके पास एक vector है ए बी, ठीक है, जिसके components हैं क्या, जिसके components हैं 3i + 4j, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए बी यूनिट वैक्टर निकाल के दो, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे ए बी यूनिट वेक्टर? अच्छा, यूनिट वेक्टर दिखता कैसे है? यूनिट वेक्टर ऐसे होगा कि ए बी के ऊपर एक कैप होगी, या समटाइम्स द क्वेश्चन विल जस्ट स्टेट अवे से कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ज़्यादा ये कॉमन है तो लेट्स स्टिक टू दैट। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3² + 4² इनसाइड द स्क्वायर रूट। सो 3² + 4² हो जाएगा आपका 5, तो ये 5 यूनिट्स हो गया,
ठीक है, ये आपका ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आप ए बी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हियर इज हाउ यू गोना राइट इट, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 3/5i + 4/5j, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 4/5। ठीक है, ये मैंने क्या किया, देखो ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर था 3i + 4j। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास वेक्टर है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला विच टर्न्ड आउट टू बी 5, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको 5 से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी गॉट, दिस इज बेसिकली द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए बी। अब मुझे बताया आप लोगों को समझ आया व्हाट आई हैव जस्ट डन? जी सर, जी। ठीक है, अच्छा सर, अब मतलब आई और जे हटा देंगे, लाइक जिसमें आई जो है वो एक्स है तो उसको एक्स की जगह लिख देंगे और जे जो है वाई है उसको वाई की जगह। या एग्जैक्टली, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक काम करते हैं, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं, जो मैंने आपको वो वाली बात कही थी ना कि इट्स अ मिनी वर्जन ऑफ द एक्चुअल वेक्टर। ठीक है, उस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ए बी है 3i + 4j, और इसका हमने यूनिट वेक्टर क्या निकाला, ये अच्छा ये जो मैं ए बी के ऊपर कैप लगा रहा हूँ ना, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है। ठीक है, 3/5i + 4/5j। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए ना, अगर हम वेक्टर ए बी की बात करें, सो वेक्टर ए बी का मतलब 3 right and 4 up। ठीक है, 3 right and 4 up, 1, 2, 3 right and 1, 2, 3, 4 up। ठीक है, this is what vector AB is going to look like. Okay, now, इसका यूनिट वेक्टर जो होगा ना, इसका यूनिट वेक्टर का पता है? अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि AB जो वेक्टर है, अच्छा ये बनाने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये बताओ कि AB जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है निकाला हमने? 5. उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला 5. ठीक है, सो दैट मींस ये जो आपका पूरा वेक्टर आपको दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला था? इसका मैग्नीट्यूड हमने 5 निकाला था। नाउ डिवाइडिंग दिस वेक्टर बाय 5 का पता है क्या मतलब है? डिवाइडिंग दिस वेक्टर बाय 5 का मतलब है कि हमने इस वेक्टर के कितने हिस्से कर दिए? हमने इस वेक्टर के 5 हिस्से कर दिए, 1, 2, 3, 4। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1, 2, 3, 4 and 5, ये बेसिकली आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक इस सिर्फ अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं जो मैंने हाईलाइट किया है, इसके डायरेक्शन में और ए बी के डायरेक्शन में कोई फर्क है? ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, नहीं है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज इन द मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली अ मिनी वर्जन ऑफ द एक्चुअल वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ यूनिट वेक्टर इज। तो ये क्या होता है, ये आपके एक्चुअल वेक्टर का मिनी वर्जन होता है, मिनी वर्जन ऑफ द एक्चुअल वेक्टर। अच्छा मिनी वर्जन भी पता है कैसा होता है? मिनी वर्जन भी ऐसा वर्जन होता है कि अगर आप इस मिनी वर्जन का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो इस मिनी वर्जन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्योंकि हमने 5 जो मैग्नीट्यूड था हमने उसके 5 हिस्से कर दिए, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा आपके हिसाब से? 5 नहीं आएगा, सोचो क्या आएगा? 1/5 आएगा, नहीं ना 1/5 भी नहीं आएगा, 1 आएगा। सो देखो 9/25 + 16/25, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हो जाएगा? 25/25, एंड व्हाट्स 25/25? दैट्स 1। ठीक है, सो देखो व्हाट अ यूनिट वेक्टर डज इज कि जो भी इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसके उतने हिस्से कर देता है। ठीक है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड 10 है तो उसके 10 हिस्से कर देगा। सो दैट मींस कि यूनिट वेक्टर का हमेशा हमेशा मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड, कंप्लीट द सेंटेंस, किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज बेसिकली अ मिनी वर्जन ऑफ द एक्चुअल वेक्टर सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कभी यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कोई ट्रिकी सवाल आ गया और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, बस तो फिर आप
फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, अच्छा सवाल इसका किस तरह का आता है? आई नो इमीडिएट रिएक्शन स्टूडेंट्स का ये होता है कि जी इसका सवाल किस तरह का आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वैसे जो इसकी समझो बुकिश डेफिनेशन है वो ये है कि इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर इज बेसिकली अ मिनी वर्जन ऑफ द एक्चुअल वेक्टर सच दैट के उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा वन के बराबर होगा। ठीक है, उसको निकालते कैसे हैं? हाँ, उसको निकालने का तरीका ये है कि इट्स अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ जी, आप पूछें इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक हिस्से का मैग्नीट्यूड वन होगा। यस, एक हिस्से का मैग्नीट्यूड जो है वो वन होगा। देखो ना, अगर मैं इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? मैं वापस ए बी पे पहुंच जाऊंगा ना, एंड दैट मेक्स सेंस क्योंकि ये इसका 1/5 है। If I multiply this by 5, I will get the original vector again. So could you call it the simplest form of a vector? Simplest form? Not really. Simplest form could mean a lot of things. Simplest form is not something I would prefer to call it. I would prefer to call it a mini version of the actual vector. सर ये अगर आप 3/5 आई को अगर आपने इस मैग्नीट्यूड पे दिखाएंगे तो मतलब आप 3 पार्ट शेड करेंगे ना आउट ऑफ 5? 3 पार्ट शेड करूंगा आउट ऑफ 5, यस। तो फिर सर जो 4/5 जे होगा उसमें 4 पार्ट्स करेंगे आप? या तो सर इसमें फिर फर्क क्या होगा? क्योंकि वो आई का 3/5 है और 4 का 4/5 है, सॉरी जे का 4/5 है, ये फर्क है इसमें। कि अगर हम देखो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 3 यूनिट्स राइट जा रहे थे तो अगर आप इस मिनी वर्जन को देखेंगे तो फिर आप 3/5 यूनिट्स राइट जा रहे हैं, और पहले अगर आप 4 यूनिट्स आप जा रहे थे तो अगर आप इस मिनी वर्जन को देखेंगे तो अब आप 4/5 यूनिट ऊपर जा रहे हो, ये फर्क है। राइट सर, ठीक है, दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। ओके, अब हम एक काम करते हैं, फाइनली ज़रा चलते हैं टूवर्ड्स द बुक and let's do some actual questions. So AB को हमने rewrite करना है कैसे? AI plus BJ. तो मुझे बताओ मैं कैसे लिखूँगा? How will I get from A to B using I and J? How many I's and how many J's? 1 to the right and 3 down. So 1 I minus 3 J. Yep, that's it. I minus 3 J. Simple. अच्छा, अब randomly कोई उठाते हैं BE. BE के लिए क्या करूँगा मैं बताओ जरा? 3 up and 1 to the right. So 3 पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल I plus 3J. ठीक है, चलो DC भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। बताओ DC के लिए क्या करेंगे? 1 down and 1 to the left, so -I -J. ठीक है, सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 फेयरली सिंपल, इट सेज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीस वेक्टर्स। बताओ जरा -2I का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या करेंगे? 2 हो जाएगा सीधा -2 को स्क्वायर करोगे और फिर स्क्वायर रूट करोगे तो अल्टीमेटली 2 बचेगा। 4i plus 3j इसका क्या होगा? 5 4 स्क्वायर plus 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट व्हिच इज 5 यूनिट्स। चलो इसका बता दो फिर आगे चलते हैं। 13 इसका होगा हमारा 13 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर अ डिफरेंट काइंड, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट जो इसका वो बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इसमें ना हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, नॉट टेल यू हाउ। ये एक्सरसाइज कौन से? दिस इज 13.1। ओके, ना 3 देखते हैं फिर मैं आप लोगों से 4 अटेम्प्ट करने को कहूंगा। 3 क्या कह रहा है? 3 आपसे कह रहा है द वेक्टर ए बी हैज मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 4i plus 3j। ठीक है, फाइंड ए बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका जरा मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 4i plus 3j। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जरा 4i plus 3j बनाते हैं। 4i plus 3j कुछ ऐसा होगा, ऑब्वियसली नॉट ऑन टू स्केल बट यू नो दिस इज व्हाट इट्स गोना बी लाइक। So this vector right here is 4i plus 3j. Let's write that down. 4i plus 3j. Now there is a vector ab which apparently is
parallel to this, ठीक है, that's not parallel, which is parallel to this vector, ठीक है, लेकिन उसका magnitude जो है वो क्या है, उसका magnitude different है, उसका magnitude 20 units है, okay, so ये आपका vector AB आ गया, let's label it, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसका जो magnitude है वो हमारा 20 units है, ठीक है, अब जाहिर है AB के भी कुछ A component होगा, मतलब it's gonna have some I component and it's gonna have some J component, ठीक है, अब how exactly are we gonna determine those I and J components, ठीक है, and यहाँ पे ये वाली जो relationship है ना, ये parallel, there's a very strong reason behind the question telling us that, ठीक है, and इसी reason की वजह से हम ये करेंगे, उसके बगैर हम नहीं कर सकते थे. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, पहले तो हम जरा इन वेक्टर्स का आपस में रेशियो देखते हैं, कौन से वेक्टर्स का, ए बी का और ये 4i plus 3j का. मुझे ये बताओ कि डू वी हैव इनफ इंग्रेडिएंट्स फॉर अस टू बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट रेशियो देयर इन, कंसीडरिंग कि हमारे पास ए बी का जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वेक्टर 4i plus 3j का जो है वो i और j कंपोनेंट्स हैं. यस नो सर. अच्छा, यस एंड नो, ठीक है, नो अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारे पास इस 4i plus 3j का मैग्नीट्यूड नहीं है, बट टू काउंटर दैट मेरा एक सवाल है कि क्या हम 4i plus 3j का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. अच्छा, 4i plus 3j का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट्स. कैसे? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, अभी हमने देखा ना जब हम पैरेलल वेक्टर्स देख रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ भी बताई थी, ठीक है, किसने सवाल पूछा था ये तो मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, लेकिन किसी ने पूछा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का रेशियो 1:2 है, ठीक है, सो देयर इज समथिंग एल्स जिसका रेशियो 1:2 होगा, वो क्या था? मैग्नीट्यूड का भी रेशियो 1:2 होगा. अच्छा, अब वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर को और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड देखें तो हम देख सकते हैं कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है. वेरी गुड. तो अब मुझे बताओ इसके जो आई और जे कॉम्पोनेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? 16i plus 12j. ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ. देखो बेसिकली, अब देखो सवाल ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया ना बड़ी स्ट्रेटेजिकली दिया, उसने आपसे ये कहा है कि ए बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, ठीक है, और भी उसने आपको साथ में ये नहीं कहा कि हाँ भाई एक और वेक्टर है 4i plus 3j, उसने आपको ये कहा है कि ए बी जिसका मैग्नीट्यूड 20 है इज ऑल्सो पैरेलल टू द वेक्टर 4i plus 3j, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने उसकी मदद से ए बी को डिटर्मिन करना है. अच्छा, अब एक चीज़ तो हमारे दिमाग में फॉर श्योर होनी चाहिए, वो ये कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके आई और जे कंपोनेंट जो है वो हमेशा क्या होंगे, एक सर्टेन रेशियो में होंगे. दैट मींस कि जब मैं ए बी और ए बी के आई और जे कंपोनेंट्स निकालूंगा तो मैं 4i और 3j को किसी एक सर्टेन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकालूंगा, मतलब वो इस वेक्टर के आई और जे कंपोनेंट से एक सर्टेन रेशियो या वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर आएंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों वैक्टर्स क्या है आपस में, ये दोनों वैक्टर्स पैरेलल हैं. अब द क्वेश्चन इज कि हाउ एग्जैक्टली डू वी फाइंड दैट रेशियो इन विच देयर पैरेलल, ठीक है, उसके लिए हमें किस चीज़ की मदद लेनी पड़ी, उसके लिए हमें लेनी पड़ी मदद ऑफ द मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ था, दूसरे वेक्टर के हमें आई और जे कंपोनेंट्स दिए हुए थे, सो वी यूज दोज आई एंड जे कंपोनेंट्स, वर्क आउट द मैग्नीट्यूड एंड नाउ वी नो एग्जैक्टली व्हाट रेशियो देयर इन. वो क्यों? वो ऐसे कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और दूसरा वेक्टर जो कि अगेन उसके पैरेलल है उसका मैग्नीट्यूड 20 है. So that means अगर उसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स है तो और कौन सी चीज है जो 4 टाइम्स होगी? A and B. उसके बेसिकली नॉट A एंड B बट आई गेट व्हाट यू सेइंग, उसके बेसिकली I और J कंपोनेंट्स जो है वो 4 टाइम्स होंगे. सिर्फ 4 टाइम्स या 5 टाइम्स होंगे? 4 टाइम्स होंगे ना. देखो ना, हाउ डू यू गेट फ्रॉम 5 टू 20, व्हाट डू यू डू? Multiply by 4.
नहीं इसमें इसमें वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा कि 1.45 यूनिट्स, दैट इज अप्लाई हो रही है, मतलब इट्स बेसिकली पैरेलल टू दैट, ठीक है, इट इज पैरेलल टू 4i+3 जो। देखो एक काम करो, हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ ए बी, सही है, जिसके मैं आपको कंपोनेंट्स दे देता हूँ, लेट्स से 3i+4j, और मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ पी क्यू, जिसके मैं आपको कंपोनेंट्स दे देता हूँ 6i+8j, ठीक है। अब इमीडिएटली आप मुझे क्या बता सकते हो? एक्स डबल डबल है एंड व्हाट एल्स, आई वेक्टर पैरेलल है या नहीं, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज टू वेक्टर्स पैरेलल, यस और नो? यस यस दे पैरेलल आर, व्हाई, बिकॉज़ वी कैन सी दैट देयर कंपोनेंट्स आर इन अ सर्टेन रेशियो, ठीक है, अगर हम इधर 3 है इधर 6 है, ठीक है, डबल है, इधर 4 है इधर 8 है, क्या है, डबल है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि विदाउट हैविंग टू वर्कआउट इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या मुझे बगैर कैलकुलेट के बता सकते हो कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? टेन पी क्यू का मैग्नीट्यूड आपका टेन फाइव होगा, 5 नहीं होगा, होता टेन है होगा, टेन होगा, डबल होगा, राइट, नेहा क्लियर है, 10 यूनिट्स होगा, 5 यूनिट्स नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, लेट्स सपोज आपको ये चीज़ नहीं दी हुई होती, ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं दी हुई होती, लेकिन आपको ये दिया हुआ होता कि ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अब आप रिवर्स इंजीनियर करके क्या पी क्यू डिटर्मिन नहीं कर सकते थे? कैसे डिटर्मिन करते हैं? आप ये देखते हैं कि भाई अगर पी क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो ए बी के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है, सो दैट मीन्स पी क्यू के आई और जे कॉम्पोनेंट्स भी जो होंगे वो ए बी के क्या होंगे? टाइम वो ए बी के भी 2 टाइम्स होंगे, 6i+8j, समझ आई बात? नाउ डू यू अंडरस्टैंड जी व्हाट वी सर, हैव डन ओवर हियर? इट्स द एग्जैक्ट जी सेम थिंग, सर, ठीक है। अच्छा अब एक काम करें, अब आप ये चेक करें कि आपको सही से समझ आया या नहीं, वो आई अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 फॉर मी। चलो करें इसको और मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है।